इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। क्या आप जानते हैं कि एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी और समय जानने का सिर्फ एक ही जरिया हुआ करता था, घंटाघर। हर शहर में घंटाघर होते थे जो आज भी मौजूद हैं। घंटाघर आज भी शहर की शान होते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद घंटाघर भी इस जगह की शान और यहाँ के लोगों की पहचान मानी जाती है। ये घंटाघर देहरादून के राजपुर रोड पर व्यावसायिक इलाके चुक्कूवाला में स्थित है। घंटाघर से भारतीय सैन्य अकादमी से लेकर गुरुद्वारा गुरु राम राय तक देहरादून के अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों का रुख किया जा सकता है। 85 मीटर लंबे और 55 फुट ऊंचे घंटाघर पर लगे तख्तियों पर एक तरफ कई महान स्वतंत्र सेनानियों के नाम और दूसरी ओर भारत का संविधान अंकित है। इमारत पर ऊपर जाने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ी भी है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत में घंटाघर ऐसी अकेली इमारत मानी जाती है जिसका निर्माण षडभुजाकार या 6 कोनों वाला डिजाइन में होता है, जो ग्रीको रोमन वास्तुकला शैली बताया जाता है। अपने निर्माण के एक लंबे अरसे तक इसी घंटाघर की घड़ी से निकली आवाज देहरादून के निवासियों को वक्त बताती थी। इस घंटाघर का मूल नाम बलबीर क्लॉक टावर हुआ करता था। ये नाम इस शहर के एक न्यायाधीश और जाने माने रईस लाला बलबीर सिंह के सम्मान में रखा गया था। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन 1936 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मनभरी देवी और बेटों आनंद, हरि, अमर और शेर सिंह ने लाला बलबीर की स्मृति में एक घंटाघर बनवाने की अर्जी वहां के शहर परिषद को दी थी। मगर आपसी रंजिशों की वजह से शहर के कई धनी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। कोई नहीं चाहता था कि किसी एक रईस आदमी के नाम पर घंटाघर बनाया जाए। घंटाघर निर्माण के लिए संघर्ष करीब 10 साल तक चला, जिसमें लाला बलबीर सिंह के परिवार को घंटाघर के लिए जमीन हासिल करने और निर्माण खर्च को लेकर ठेकेदारों के साथ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन काफी लंबे संघर्ष के बाद लाला बलबीर सिंह के परिवार को देश की आजादी मिलने के बाद ही राहत मिल पाई। जब देहरादून शहर को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना बनी, तब घंटाघर निर्माण को भी मंजूरी मिल गई थी। लेकिन लाला जी के बेटों के सामने एक शर्त रखी गई कि अगर कांग्रेस की नेता और मशहूर स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजनी नायडू शिलान्यास के लिए आएंगी, तभी घंटाघर का निर्माण कार्य शुरू होगा। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर नगर परिषद की मदद से लाला जी के बेटे सरोजनी नायडू को शिलान्यास के लिए मनाने में कामयाब हो गए। 24 जुलाई सन 1948 को सरोजनी नायडू ने बलबीर क्लॉक टावर का शिलान्यास किया, जिसका डिजाइन पहले चौकोर था लेकिन निर्माण के दौरान 6 कोणीय कर दिया गया। पहले इसका बजट 1.5 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, जो मात्र 900 रुपए और बढ़ गया था। दिलचस्प बात यह थी कि इसके 6 कोनों में लगी घड़ियां स्विट्जरलैंड से लाई गई थी। इस काम के लिए लाला बलबीर सिंह के परिवार ने भी 25,000 रुपए दान किए थे। आखिर सन 1953 के मध्य में घंटाघर पूरी तरह तैयार हो गया था। 23 अक्टूबर सन 1953 को तत्कालीन रेल मंत्री और भारत के भावी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया। तब से घंटाघर देहरादून के विकास का साक्षी बन चुका है। आज घंटाघर इस शहर की शान का हिस्सा बन गया है। वक्त वक्त पर इस घंटाघर में मरम्मत का काम होता रहता है। आज ये घंटाघर देहरादून आने वाले सैलानियों का दिल जीत लेता है और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है।